साल 2023 की शुरुआत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में कई सैलानी देश विदेश से उत्तराखंड पहुंचते हैं, जो कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती है। इसके लिए प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। कोविड के चलते पिछले वर्षों की तुलना में इस साल अधिक संख्या में पर्यटकों के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक कैफे, रेस्टोरेंट, बार जैसे तमाम स्थानों को 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी भी सरकार द्वारा दी जा चुकी है। धामी सरकार के इस फैसले से नए वर्ष के दौरान रात को भी सड़कों पर भारी संख्या में पर्यटकों के मौजूद रहने के आसार हैं। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिले में व्यवस्था और अनुशासन को कायम रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं SP सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि नए वर्ष के दौरान पुलिस फोर्स को सख्त पहरा नजर आएगा और जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे और शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ला रहा है तो काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं, स्पेशली मसूरी में तो ट्रैफिक और चक्राता में इलाका मंडल साइड में तो ट्रैफिक पुलिस को बता दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी बता दिया गया है कि इस टाइम पे व्यवस्थाएं बना के रखें और किसी को कोई असुविधा ना। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे तो हम लोग हमेशा चेकिंग करते हैं और इस बार भी हमारी क्योंकि ड्यूटीज़ 24 घंटे हैं, बैरियर पॉइंट्स हैं, ड्यूटी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना की जाए और एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो कम रहे।